हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राजटेक। आज हम देखेंगे विंडोज़ 10 में कैसे अपडेट बंद करना है। आप ये ट्रिक्स विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 11 में भी काम करेगा। तो पहले मैं मेरा चैनल दिखा देता हूँ, कैसे आपको मेरा चैनल में आना पड़ेगा। अगर आपको न्यू कंटेंट चाहिए, सिंपली आप राजटेक लिखिए, आपका ब्राउज़र यूट्यूब का जो सर्च बटन है राजटेक लिखिए। राजटेक लिखने के बाद देखिए, ये जो आइकॉन है ये मेरा परमानेंट, यही आइकॉन मैं यूज़ करता हूँ। तो ये चैनल में जाइए, आप लोगों को बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट मिल जाएगा। वीडियोस में जाइए, इसमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा टेक्निकल रिलेटेड। और प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट करके रखा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते। आज का जो टॉपिक है वो विंडोज़ 10 में कैसे आपको अपडेट बंद करना है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा अपडेट ऑन है कि नहीं। तो क्या होता है, बेसिकली बहुत लोगों का इंटरनेट का एक इशू रहता है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद सुबह सुबह आपका नेट से हो गया, आपने देखा विंडोज़ अपडेट ऑन कर लिया, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी अपडेट अगर करूँ तो लास्ट चेक यस्टरडे दिखा रहा है और चेकिंग फॉर अपडेट, मतलब ये अपडेट अभी चालू है इसीलिए ये चेकिंग फॉर अपडेट दिखा रहा है। और आपको इधर डेट दिखाई देगा, दिया ऑलरेडी अपडेट चेक किया। तो अगर अपडेट आपको डिजेबल करना है और ऑटोमेटिक जो अपडेट होता है उसको बंद करना है तो कैसे करें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए, इसमें अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है, डाउनलोड भी आ गया, डाउनलोड स्टार्ट हो गया, लेकिन ये डाउनलोड ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मेरा अपडेट बंद कर देता हूँ, ये अपडेट चालू होगा। मैं अगर एक सर्विस है उसको रिफ्रेश करूँ तो अपडेट बंद हो जाएगा। और परमानेंट कैसे बंद करना है वो भी दिखा देता हूँ। पहले इसको जो अपडेट चल रहा है इसको अभी के बंद कर देता हूँ, देखिए। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे विंडोज़ अपडेट बोल के एक सर्विस रहता है, उसको मैं अगर रिस्टार्ट करूँ तो वो अपडेट बंद हो जाएगा। अभी रिस्टार्ट तो देखिए एरर आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी आज का जो टॉपिक है विंडोज अपडेट कैसे बंद करना है वो स्टार्ट करते। पहले आपको स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करना है और रन पे जाना है। परमानेंट बंद करने के लिए इसमें लिखिए gpedit.msc। क्या है ये? एक ग्रुप पॉलिसी है, मतलब हर कंप्यूटर में एक पॉलिसी मैनेजमेंट होता है कंप्यूटर कैसे काम करे, ठीक है, वही ग्रुप पॉलिसी है कंप्यूटर में। तो ग्रुप पॉलिसी डिसीजन लेता है कंप्यूटर में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उधर एक कमेंट उसको लिख दूँ जो अपडेट है वो नहीं करना है। कैसे करें, ये जो ग्रुप पॉलिसी ओपन करने के बाद कंप्यूटर एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद विंडोज़ कंपोनेंट में क्लिक करना है। देखिए इसमें नीचे आ जाइए, आने के बाद विंडोज़ अपडेट बोल के एक फीचर्स है विंडोज़ अपडेट, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। इधर देखिए देखिए कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, इसको डबल क्लिक करना है। उसके बाद डिजेबल, मतलब क्या है, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट इसमें नॉट कॉन्फ़िगर्ड था, मतलब इसका कोई काम नहीं था। इनेबल करने में वो अपडेट होगा, इधर कब होगा, एवरी डे होगा, संडे होगा, इधर मेंशन है, ठीक है। हम लोग क्या कर, इसमें डिजेबल ही कर देते कि उसके बाद अप्लाई, ओके। तो अभी क्या है, कॉन्फ़िगर विंडोज़ अपडेट बंद है। चलिए इसको बंद करने के बाद आपको और एक कमेंट देना है, सीएमडी लिखना है। ये जो हमें अभी ग्रुप पॉलिसी मैंने कॉन्फ़िगर किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए gpupdate स्पेस फोर्स इंटर करना है। देखिए अपडेट पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो अभी अपडेट हो रहा है। कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके साथ साथ आप और एक कॉन्फ़िगर करना है, विंडोज़ आर करना है, उसके बाद लिखना है services.msc। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए।
मैं दोनों तरफ से बंद कर देता हूँ क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेने का। विंडोज़ आप सुबह सुबह इंटरनेट ऑन किया और आपका पूरा नेट चला गया, सारा दिन का काम है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आपको हो रहा है तो विंडोज़ को अपडेट बंद कर लीजिए। देखिए विंडोज़ अपडेट बोले एक सर्विस चल रहा है, डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक में डिजेबल कर दीजिए, अप्लाई, स्टॉप, ओके। जो आपको मैं टिप्स दिखा रहा हूँ ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं तो यही प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। तो चलिए अभी विंडोज़ अपडेट में जाके देखते हैं। अपडेट, चेक अपडेट, रिट्राई। तो मैंने विंडोज़ जो अपडेट है उसको क्लिक किया। देखिए मैंने रिट्राई कर रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स चेक फॉर अपडेट आ रहा है, उसके बाद एरर आ रहा है, सम सेटिंग आर मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने जो वो सेटिंग कर दिया ग्रुप पॉलिसी में, वो इसलिए वो अपडेट नहीं ले रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रिट्राई करूँ फिर से, चेकिंग फॉर अपडेट रिट्राई, तो आपको इनेबल करके फिर से देखा देता हूँ तो आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मेरा मैंने जो इफेक्ट किया वो, तो क्या करना है फिर से इनेबल करने के लिए ऑटोमेटिक करना है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टार्ट इसमें करना है, मैंने ग्रुप पॉलिसी सर्विस में आया जिसे बंद किया उसमें क्लिक किया, करने के बाद ये स्टार्टअप ऑटोमेटिक किया और चालू कर दिया। ठीक है, पहला का मैं, दूसरा जहाँ से मैंने बंद किया ग्रुप पॉलिसी, तो मैं ग्रुप पॉलिसी में चला जाता हूँ। सेम लोकेशन में जाके जो डिजेबल किया मैंने उसको नॉट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, तो आपको इनेबल डिजेबल दोनों ही पता चल जाएगा, उसके साथ साथ ये ट्रिक्स काम कर रहा है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है और विंडोज़ अपडेट सॉरी कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट में क्लिक करना है और नॉट कॉन्फ़िगर, ओके, अप्लाई, ओके, बंद कर देना है और एक कमेंट चलाना है, जीपी अपडेट डॉट एम एस सी। मैं कमेंट फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, करने के बाद जीपी अपडेट स्पेस फोर्स, जो मैंने अभी चेंज किया उस वो इफेक्ट करेगा। तो देखिए ग्रुप पॉलिसी अपडेट हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो अभी क्या है, मैंने डिजेबल करके देखा वो अपडेट नहीं हो रहा था, फिर से इनेबल किया और आपको दिखा देता हूँ, रिट्राई। तो देखिए चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है और आपका जो जो एरर आ रहा था अभी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आएगा, मैंने फिर से उसको इनेबल कर दिया। तो मैंने डिजेबल करके भी दिखाया, इनेबल करके भी दिखाया, तो आपको अगर डिजेबल करना है डिजेबल कर लीजिए। तो देखिए ये फिर से इंस्टॉलिंग डाउनलोडिंग होना चालू हो गया। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कैसे विंडोज़ 10 को अपडेट बंद करना है और इनेबल करना है। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।